हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ आज गांव का जो सबका फेवरेट डिश होता है पत्ते की पकौड़ी, तो आज हमने पत्ते की पकौड़ी बनाई है। बहुत ही टेस्टी होता है, ऐसे बनाना बहुत आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रेश फ्रेश पत्ता मेरी सासू माँ लाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर। यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छे से मिर्च मसाला सब अदरक सब डाल के पेस्ट वोट डाल के मैंने इसे बना लिया है, अच्छे से इसकी पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे पत्ते को मैंने अच्छे से धो लिया। इस तरह पत्ते पे अच्छे से बेसन को हम फैला देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से फैला देना है और एक एक पत्ते इस पर फिर से लगा के फिर से इसे अच्छे से ऐसे ही फैलाते जाना है इस तरह से। अच्छे से इस तरह से पूरे पत्ते एक एक करके अब बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बन के रेडी होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इस तरह से देख सकते हैं पूरे पत्ते मैंने फैला दिए हैं इस तरह से। अभी इसकी हम एक लोइयां बनाएंगे, तो इस तरह से साइड में दोनों साइड में हम लगा लेंगे बेसन और इस तरह से मोड़ के ऊपर के हिस्से को इस तरह से गोल सा लोई बना लेंगे, रोल की तरह इस तरह से बना लेंगे और हाथों से बेसन को लपेट देंगे इसमें और इस तरह से सारे लोइयों को हम बना लेंगे एक एक करके इस तरह से रखते जाएंगे और एक एक करके हम सारे बेसन को ऐसे ही बना लेंगे। फिर से ऐसे ही लोई हम सारे, यहाँ पे हमने सारे लोइयाँ बना ली है। यहाँ पे हमने सारे लोइयाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और ये जो फरा उसीने वाली छन्नी होती है उस पर इस तरह से इसे अच्छे से उबालेंगे, मतलब उसीन देंगे, तो ये फिर से इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मैंने 5 लोइयाँ हमारी बनी थी और 5 को मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। इसे ढक के हम 20 मिनट इसे पकाएंगे। बस यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है और एक चम्मच की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये गल गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये हो गया है। तो मैं इसे गैस के कर देती हूँ ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसे आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत गर्म है। इसमें से एक मैं साइड निकालती हूँ और इस तरह से चाकू की मदद से इसे काट लूँगी। अभी भी गर्म है, फिर भी मैं वीडियो भी आप लोग को दिखा रही हूँ। इस तरह से कट करके और यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने सरसों का ऑयल डाल दिया और इसे बेसन में इस तरह से लपेट के और चम्मच की मदद से इसे उठा के डालेंगे। ये देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से ऐसे एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे और बहुत टेस्टी ये हमारी पकौड़ी बन के रेडी होती है। पत्ते की पकौड़ी तो सच में बहुत ही टेस्टी होती है। सारे पकौड़ी एक तरफ और पत्ते की पकौड़ी एक तरफ बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैंने सारे डाल दिए हैं, इस तरह से आप ट्राई ज़रूर करें। ऐसे पलट लेते हैं कि बहुत अच्छे से साइड में देख सकते हैं एक साइड से सिक गया है। अब इस सारे पकौड़ियों को इस तरह से सेक लेंगे, अच्छे से पलट लेंगे अच्छे से और दोनों तरफ करके इसे सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारी पकौड़ी बन के रेडी होती है और उतने खाने में ही उतना बहुत ही। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पकौड़ी बन चुकी है, तो मैं एक एक करके इस तरह से चिमटे की मदद से निकाल लूँगी और ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी भी होता है। अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से क्रिस्पी बहुत होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे पकौड़ियों को निकाल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी है हमारी पकौड़ी बन के रेडी हुई है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।